सुप्रभात बच्चों, आज हम प्रश्नावली 9 में गणित विषय में कक्षा 3 हिंदी माध्यम प्रश्नावली 9 जो कि पेज नंबर 8 पर है इसको हल करेंगे। तो इसमें बेटा सबसे पहले सवाल नंबर 1 से लेके सवाल नंबर 5 तक रिक्त स्थान है। तो सवाल नंबर 1 और सवाल नंबर 1, 2, 3, 4 और 5 सवाल नंबर 5 तक आपके रिक्त स्थान है। तो हम जो सवाल आप बुक में देख रहे होंगे उसी को समझाकर आपको आंसर यहाँ पे लिखते जाएंगे। तो बेटा लिखा है गोले का डैश डैश फलक होता है। फलक का मतलब होता है सरफेस, सतह। तो अगर किसी भी गोल सरफेस को आप देखोगे, किसी भी गोले में देखोगे, तो उसकी सतह हर तरफ से आपको सेम ही दिखेगी, एक ही सतह दिखेगी। आप किसी बॉल को देखिए, उसकी सरफेस हर तरफ से आपको एक ही दिखेगी। तो इसका मतलब पहले वाले में क्या बनेंगे, आप पहले वाले खाली स्थान क्या बनेंगे, 1 बनेंगे। ठीक है, पहले वाले क्या बनेंगे, 1। फिर बेलन के फलक होते हैं, तो बेलन जो आकृति होती है वो बेलन कैसे होती है, सिलेंडर जिसको हम बोलते हैं। देखिए ये रॉड हो गया, इसमें एक सरफेस ऐसी हो गई, एक सरफेस ऐसी हो गई। तो बेटा अगर ध्यान दीजिएगा तो एक सरफेस यहाँ हुई, दूसरी सरफेस यहाँ हुई और तीसरी सरफेस ये जो रॉड की है, ये जो आप टच करोगे इसको, तो तीसरी सरफेस ये हो गई। तो टोटल 3 फलक होते हैं बेलन में या सिलेंडर में। तो दूसरे वाले में ऑप्शन क्या बोलोगे आप, 3। ठीक है, फिर है घन के कितने फलक होते हैं। तो बेटा घन है, जैसे घन का मतलब होता है एक ऐसी संरचना, चौकोर ऐसी संरचना जिसके लंबाई चौड़ाई दोनों तरफ बराबर, हर तरफ बराबर हो। जैसे कि आपके लूडो का जो पासा होता है वो घन के आकार का होता है। देखिए घन इस प्रकार का कुछ बना होगा, इसकी लंबाई चौड़ाई मोटाई ऊंचाई सारी चीज़ें बराबर होती है। ठीक है, तो आप अगर सबसे अच्छा एग्जांपल देखना चाहें कि कितनी सतहें हैं इसमें, तो आप लूडो के पासे का ही एग्जांपल ले सकते हो। लूडो के पासे में कितने सतहें होती हैं, 1 से लेकर 6 छक्के तक आता है लूडो के पासे में। तो इसका मतलब हर एक सतह पर एक नंबर उसमें डिजिट लगा होता है, एक उतने ही डॉट बने होते हैं। तो हम लोग देखते हैं जैसे एक डॉट होता है, एक बोलते हैं, तो है ना, सबको पता है। तो टोटल कितने डॉट्स बने तक बने होते हैं, 6 तक। इसका मतलब लूडो के पासे में कितने, यानी घन में कितने फलक होंगे, 6 फलक होंगे। तो आपके तीसरे प्रश्न का उत्तर हुआ 6। फिर हम चौथे की तरफ चलते हैं, घनाभ के कितने किनारे होते हैं। तो घनाभ का मतलब होता है कि है तो ये घन ही, लेकिन इसकी लंबाई कुछ ज़्यादा हो जाती है और इसमें आपको किनारे बताने बेटा कितने हैं। ठीक है, तो देखिए आप इसको पहचानने के लिए, इसके किनारे जानने के लिए आप हमेशा यूज़ कीजिए अपना फ़ोन। जिस फ़ोन में आप ये वीडियो देख रहे हो, तो वीडियो को रोक के आप अपने फ़ोन में देखिए कितने किनारे आपको देखने को मिल रहे हैं। तो बेटा सपोज अगर ये ऐसा फोन हुआ तो 1, 2, 3, 4 तो ये किनारे हो गए, 5, 6 इधर वाले 5, 6 अगर आप ध्यान से देखोगे तो 1, 2, 3, 4, 5 जो 4 इधर वाले हो गए, 4 उधर वाले हो गए, 5, 6, 7 और 8 टोटल 8 किनारे बनेंगे एक फोन में। ठीक है, देखिए ऐसा हम क्यों बोले, एक तो ये किनारा हो गया, दूसरा ये किनारा हो गया, तीसरा ये किनारा हो गया, चौथा ये किनारा हो गया। ठीक, 5, 6 ठीक है, 7, 8 ये देखिए बन गए सारे के सारे 8 किनारे। ठीक, तो इस प्रकार से हमारा इसमें क्या आंसर आएगा, 8 किनारे। ठीक है, अब सवाल नंबर 5 की बात करें, शंकु के कितने फलक होते हैं। शंकु ये समझना होगा बेटा, ये जैसे बर्थडे कैप होती है, शंकु के कितने फलक होते हैं। तो इसमें अगर आप देखोगे तो एक ऊपर सतह ये है, दूसरी सतह यहाँ पे है, तो शंकु के टोटल 2 फलक हो गए, यानी 2 सरफेस हो गए। तो शंकु में कितने फलक होंगे, 2। ठीक, अब देखिए तो यहाँ पे सवाल नंबर 1 से 5 तक हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 6 से 13 तक के हैं, जो हमारे लास्ट 13 सवाल हैं, यहाँ तक देखेंगे। सवाल नंबर 6 में देखा जाए तो 6 से लेकर 13 तक, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 इन सभी सवालों में लगभग 10 तक जो है 11 तक आपको भिन्न के रूप में सवालों को लिखना है। तो भिन्न के रूप में हम कैसे लिखेंगे, देखिए सवाल नंबर 6 है और इसमें भिन्न कैसे लिखेंगे। एक आपको सर्किल दिया हुआ है, ठीक है, और सर्किल को बीच से कुछ इस प्रकार से विभाजित कर रखा है 3 भागों में। 3 भाग हैं, टोटल भाग क्या है, 3 है, इनमें
शेड कर रखा है, ठीक है। और जब एक भाग को शेड कर रखा है तो बाकी तीन खाली है। अब आप ये मत सोचिएगा एक बटे तीन लिखेंगे, नहीं, एक बटे चार, चार में से एक भाग आपने शेड कर रखा है, ठीक है। सवाल नंबर आठ की बात करेंगे। सवाल नंबर आठ में एक ऐसा आपको स्क्वायर देखने को मिलेगा जिसमें टोटल नौ खाने हैं, तीन तरह का नौ, उसमें से बीच वाले खाने को शेड कर रखा है। तो एक शेड है, शेड मतलब रंग रखा है, ठीक है, और बाकी है टोटल कितने, नौ, नौ में से एक शेड है, ठीक। फिर सवाल नंबर नौ, सवाल नंबर नौ में एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, एक लाइन ऐसे दिखाई दे, ठीक है, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, ठीक है, इस प्रकार से। इसमें आठ आप देखोगे तो आठ भाग हैं, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, और इन आठों में से जो लास्ट वाला पोर्शन है, इधर नहीं काम कर रहे हैं, लास्ट वाले पोर्शन है ये कर रखा है शेड, तो आठ में से एक को शेड कर रखा है मतलब एक बटे आठ, ठीक है। अब सवाल नंबर दस, सवाल नंबर दस में एक स्क्वायर बना रखा है इसे, इसको बीच से काट दिया है और इस पोर्शन को पूरा एक पोर्शन को क्या कर दिया है, रंग दिया है यानी शेड कर दिया है, ठीक है। तो दो में से एक को कर रखा है एक बटे दो। सवाल नंबर ग्यारह, सवाल नंबर ग्यारह में देखा जाए तो एक स्क्वायर बना रखा है, ठीक है, और एक स्क्वायर में एक दो तीन, तीन और चार, तो तीन को रंग रखा है और एक खाली छोड़ रखा है, तो चार में से तीन लगे हुए, यानी चार, तीन बटे चार, चार में से तीन लगे हुए। तो इस प्रकार से हम लोग पहुँच गए सवाल नंबर ग्यारह पे। सवाल नंबर बारह और तेरह को देखने के लिए हम लोग सवाल नंबर बारह इधर कर लेते हैं, आई होप सो दिख रहा होगा। सवाल नंबर बारह लिखा है 25 का एक बटे पाँच कितना होगा। जब कभी भी नंबर का कुछ भिन्न पूछा जाए तो आपको सीधे गुणा कर देना है। तो 25 का 25 गुणे एक बटे पाँच कितना होता है। तो जब कभी आप ऐसा करोगे तो इसमें क्या करना है, आपको नीचे वाली संख्या से अगर गुणा बीच में लगा हुआ है साइन, तो अगर गुणे का साइन बीच में लगा हुआ है तो आप नीचे की संख्या से ऊपर की संख्या को भाग कर देना है। पाँच एकम पाँच और पचम 25, तो आंसर क्या आएगा, पाँच एकम पाँच, यानी 25 का एक बटे पाँच गुणा क्या है, पाँच, ठीक है। सवाल नंबर 13 लिखा है 16 का एक बटे चार कितना होगा। तो 16 का एक बटे चार करने के लिए 16 गुणे एक बटे चार आप कर दीजिए, तो वैसे ही करेंगे जैसे 5 से 25 को किया था, देखिए वहाँ भी बढ़ा था यहाँ भी बढ़ा है, तो 4 से 4 एकम 4, 4 से 16, तो 4 एकम सामने बढ़ गए तो 4 आ जाएगा, तो 13 इसका आंसर क्या हुआ, 4, और इसका आंसर हुआ 5। तो बेटा यहाँ से हमारी प्रश्नावली 9 समाप्त हो जाती है, और उम्मीद है ये वाले सारे सवाल आपको हमने करवा दिए हैं। तो इन सभी का रिवीजन करना ही आपका होमवर्क है, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग चैप्टर 2 पार्ट 2 में संख्याओं को लिखना और पढ़ना, जिसमें हम लोग संख्याओं को शब्दों और अंकों में पढ़ेंगे, इनके बारे में चर्चा की जाएगी, ठीक है। तब तक के लिए आप लोग घर पर रहें, सुरक्षित रहें, धन्यवाद।